तेज आवाज में हनी सिंह के गाने चलाए, जिससे ना केवल जंगली सुअर बल्कि दूसरे जानवर भी खेतों से दूर भाग रहे। वॉल्यूम लगा देते तो इंसान होना भी भाग जाते अभी। यो लूसीफर सो गाइस, आप लोग सब होगा सब अच्छे होंगे। मुझे पता आप लोग सब लोग देखना है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो हाँ, सबसे पहले अपन बात करने ही वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। सॉरी, अपन पूरी वीडियो में बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, क्योंकि उनके ऊपर बात करने से अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। तो इन्हीं व्यूज को लेके हुए मैं आ गया हूँ ये वाली वीडियो लेके आपके सामने। तो आज के वीडियो में जो ट्रिगर्ड इंसान है वो आए हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज पेपर्स की बात हो रही है मेनली, इधर न्यूज के ऊपर ही बात हो रही है, न्यूज पेपर्स के ऊपर भी बात होने वाली है, जहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिकल्स जो बेफालतू में उनको बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है बेफालतू में, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अपने ट्रिगर्ड भाई मैं नहीं करने वाला भाई, मैं करूंगा तो तुम लोग देखोगे नहीं। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, सालों सब्सक्राइब कर देना, मेरे को 100 सब्सक्राइबर करना फटाफट है ना, कर दो सब्सक्राइब करो। तो चलो, तो गाइस पहले सबसे लोगों को बता दूं कि उनकी नई वीडियो आई है न्यूज के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बताई जा रही है लोगों के द्वारा। तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरा एक्सपीरियंस, और अपन जोक्स करेंगे बहुत सारे डार्क वाले जो कि ट्रिगर्ड भाई के इसमें नहीं होते हैं, तो मैं करूंगा उनके लिए। तो चलिए बढ़ते अपन आगे वीडियो में। उनकी वीडियो का नाम है इंडियन न्यूज मीडिया रोस्ट, लेट्स गो। कितना रोस्ट कर दिया, हमसे ज्यादा थोड़ा कर पाएंगे। बाय द वे, मैं तो उनको ही रोस्ट करने आया हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, लेट्स सी क्या करा इन लोगों ने। की हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ ट्रिगर्ड मैन और आज मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो इसने नियोन मैन को सपोर्ट करा, आई हेट हिम, न्यूज बॉय को करना चाहिए। खबर है, मैं हूँ एक इंडियन मीडिया वाला और आप लोगों को तो पता ही है कि हम कितनी ज्यादा। भाई सूट क्यों नहीं पहना इसने, देखो इस इंसान से मेहनत ना हो और तुम लोग इसको सब्सक्राइबर दे रहे हो। मेहनत तो मेरे से भी नहीं हो रही, इसलिए तो रिएक्टिव वीडियोस बना रहा हूं। पर चलो आगे देखते, इंपॉर्टेंट खबर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कार में चुंबन लेती पकड़ी गई बीबर। बीबर संगीत की दुनिया में छा जाने वाली किशोरी जस्टिन बीबर को जैस्मिन के साथ कार की पिछली सीट पर चुंबन करते हुए पकड़ा गया। अबे उनके लिए तो भाई वो तो सेक्स कर लेता, उनको था कुछ फर्क पड़ रहा। और से देखिए इस वहशी दरिंदे को। नोची नोची किशोरी जस्टिन बीबर, ये एक नेशनल न्यूज में आर्टिकल था गाइस, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने जस्टिन बीबर को मेल से फीमेल डिक्लेयर कर दिया है। बट डू वी केयर? नो। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और शुभमन गिल के बारे में। विराट कोहली आखिर शुभमन गिल पर हमेशा अटैक क्यों करते रहते हैं? दरअसल सारा तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बेटी है और शुभमन गिल को भी अगला विराट कोहली माना जाता है। तो अगर इन दोनों के जीन जब साथ में मिलेंगे तब जो बच्चा आएगा वह विराट कोहली के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इसीलिए विराट कोहली उन पर हमेशा अटैक करते रहते हैं ताकि उनके खराब हो जाए। ये ट्रिगर्ड भाई को तो अलग जोक समझ नहीं आया होगा, वो तो पोगो देखते हैं। और आप लोगों को लगता था कि हम यहाँ पे सिर्फ बेफालतू की खबरें देते हैं, शायद दुनिया में कहीं पे कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होगा, लेकिन विराट कोहली शुभमन गिल के क्यों करते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है लेकिन विराट कोहली शुभमन गिल के ऐसे क्यों करते हैं ये खबर जानना ज्यादा जरूरी है। और ये मच्छर मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है इससे भी ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम मीडिया वाले दिन भर बैठ के बेफालतू की खबरें लिखते रहते हैं, लेकिन नहीं, हम कितनी मेहनत करते हैं आप देखिए। ये देखिए इस वक्त द्वारका। अरे अच्छा, ये मेहनत करता है, वो लोग घर पे बैठ के उनके स्टूडियो में बैठ के ये सब कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसके रूम में बैठ के ऐसे ही बिना उसके सूट वूट ना पहन के वीडियो बना रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल। वाह यार, पर लेकिन मेरे को तो बोलना भी नहीं चाहिए, मैं तो खुद रिएक्ट कर रहा हूँ। पहुँच चुके हैं गुजरात के द्वारका में, इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। मैडम जी ने हिल्स पहन रखी है, फिर भी तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही है की मेथड एक्टर है, अगली मेथड एक्टर, ये विपद जो है तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि यार वैसे मेरे को ये बताओ यार, ये ट्रिगर्ड इंसान आर भारत को रोस्ट कर रहा है, इसको जिंदा रहना है कि नहीं भाई? दूर रहिए। अरे बाप रे, आई नीड टू लर्न क्या मेथड एक्टिंग करी है भाई। क्या एक्टिंग है भाई, भाई क्या एक्टिंग है भाई, भाई क्या एक्टिंग है भाई, मेरा छाता। अरे 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 ट्रिगर्ड। शादी के 9 साल बाद पता चला वह औरत नहीं मर्द है। जस्ट इमेजिन, 9 साल तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें कह रही है अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं प्लीज, आज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और ऐसे 9 साल बीत गए। और भाई मैं तो अगर मैं रिलेशनशिप में आऊं भाई, मैं तो एक हफ्ता ना वेट कर पाऊं, मेरे को तो चाहिए भाई, मेरे को तो फिजिकल चाहिए भाई। कल के बाद तुम्हें पता चलता है वो तो स्त्री है ही नहीं, वो तो पुरुष है।
9 साल तक तेरे को पता नहीं चला कि तू जिसके साथ रह रहा है वो एक लड़की नहीं लड़का है? अबे क्या कभी 9 साल में ध्यान से देखा तक भी नहीं उसको? कभी झप्पी भी नहीं करी? ऑलराइट गाइस, तो अगली बड़ी खबर जो है वो सीधा आ रही है जंग के मैदान से। हमारी संवाददाता सुई मुई जो है वो जंग के मैदान पर इस वक्त मौजूद है। संवाददाता सुई मुई, बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? हेलो संवाददाता, सुई मुई जी, हेलो गाइस, हमारे यहाँ पर जो है यार इनसे अच्छी तो ट्रिगर्ड इंसान की एडिटिंग होती है भाई, इनसे अच्छी तो ट्रिगर्ड इंसान की एडिटिंग होती है। टूट गया है संवाददाता सुई मुई के। भाई देख लो, मैं आया था जॉब करने ट्रिगर्ड इंसान पे, लेकिन सॉरी भाई, न्यूज वाले ज्यादा बेकार है इस बार। आई थिंक वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है, वहाँ पे थोड़ा एनिमेशन VFX हमने कुछ ज्यादा ही हैवी घुसा दिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ड्राइविंग हो गई है, समझ नहीं आ रहा संवाददाता से। टैंक भाई स्क्रीन के अंदर से बाहर निकला और खत्म। संवाददाता सुई में आप हमारी यादों में 2 सेकंड का मौन व्रत रखेंगे। तो अगली बड़ी खबर जो है वो आ रही है देहरादून से, जहां पे हनी सिंह के गाने सुनकर खेत से भाग रहे हैं जंगली सुअर। जी हाँ गाइस, द लेजेंडरी रैपर हनी सिंह, जिनके गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं, ब्लूटूथ एरा के किंग जिनको हम मानते हैं, उनके गाने सुनकर जंगली सुअर जो है वो भाग रहे हैं खेतों से। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं? पूरा परिवार डरा हुआ यार मौत से, इसको डर। भाई आलम इम टेम्पलर बहुत सही है यार, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था मौत से। जी हाँ गाइस, ये जो आर्टिकल है ये हमने एक नेशनल न्यूज में छापा है, जहाँ पे नैनीताल के किसानों को जब सारे जतन करने के बाद भी जंगली सुअरों और दूसरे जानवरों से मुक्ति नहीं मिली, तो उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा उपाय खोजा। उन्होंने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनी सिंह के गाने चलाए, जिससे ना केवल जंगली सुअर बल्कि दूसरे जानवर भी खेतों से दूर भाग रहे। वॉल्यूम लगा देते तो इंसान होना भी भाग जाता अभी है। जी हाँ गाइस, ये न्यूज जो है हमने ना ही इसको फैक्ट चेक करा है, ना ही इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत है, ना ही इसमें कोई लॉजिक है, ना ही सेंस है, बट फिर भी हमने एक नेशनल मीडियम में छाप दिया है, क्योंकि व्हाई नॉट, बिकॉज वी कैन, आई मीन हु केयर्स। और हेडिंग इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है हनी सिंह जैसे एक लेजेंडरी सिंगर के लिए, लेकिन हम भाई हम क्यों फर्क पड़े, हम तो भाई हम तो छापेंगे। और अगली खबर जो है वो आ रही है जगदीशपुर से, जहाँ पे 7 महीनों से पति था बाहर, पत्नी हो गई गर्भवती, बोली सपने में आते थे पति। जी हाँ गाइस, सपने में आते थे पति 7 महीने से। एक मिनट पर, लेकिन यार जो इनको कैसे समझ आ रही है, तो पोगो देखते हैं ना, पर आगे देखते हैं। साथ नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी पत्नी हो गई गर्भवती, क्योंकि पति सपने में आते थे, सपने में आते थे पति। जी हाँ गाइस, जगदीशपुर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। और छत्तीसगढ़ से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शादी के बीच पहुंची प्रेमिका, प्रेमिका और दुल्हन दोनों तैयार हो गई दूल्हे के साथ रहने के लिए, दोनों के 7 मई हो गए फेरे। वाह नाइस, ये चाहता हूँ मैं मेरी लाइफ में भी, कि मैं 2 शादी कर सकूँ एक साथ। यस, तुम जैसे नल्ले बेरोजगार जिनको यहाँ पर एक नहीं मिल रही है, यहाँ पे भाई ने एक साथ दो दो शादी। ये इसको बोल दो है ना, ये मेरे पे ना आए, ठीक है ना, ये मेरे पे ना आए, इसको पहले समझा दो है ना, होगा इसे, होगा इसके 20 मिलियन, मेरे को टारगेट, मेरी मेंटल हेल्थ का क्या होगा अब। सेट नहीं करी, दुल्हन तो उसको मिल ही रही थी, साथ में प्रेमिका भी, और वो दोनों भी राजी हो गई है। अरमान मलिक से इंस्पायर हो गए, जनरेशन किस तरह चलती जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। इंस्टाग्राम और टिकटॉक वाली जनरेशन जो है ये बहुत गलत दिशा में चलती जा रही है, बट मेरे को क्या है, मेरे को तो अच्छा। बिल्कुल सही बात है, एकदम बहुत ही ज्यादा सही बात है, ये जनरेशन बहुत गलत जगह पे जा रही है। ये लोग सारे ट्रिगर्ड इंसान के नाम पर व्यूज लेते हैं, ट्रिगर्ड इंसान जहाँ पर डालता है तो व्यूज आते हैं। इस वजह से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, इस पे इच्छा नहीं है मेरी, टेंट मिल रहा है, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और अगली बड़ी खबर जो है ये आ रही है बेंगलोर से। वहीं अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी चोरों ने एक ऐसा कारनामा कर डाला जिससे हर कोई दंग है। सड़क पर बने बस स्टैंड को जड़ से ही गायब कर डाला। एक सेकंड संभाल, ये तो मेरे जैसे लोग है भाई, गवर्नमेंट की चीज बेच दो, पैसे तो आने चाहिए, पैसे कहीं से भी आने चाहिए बस। जी मेरे को आपको बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक और खबर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में खड़े हैं, जहां से एक पूरा का पूरा जो मोबाइल टावर है वो चोरी हो गया। मोबाइल टावर चुरा लिया गया है, मोबाइल टावर चोरी हो गया। मोबाइल का पूरा टावर कैसे चुराया जा सकता है, मोबाइल का टावर क्या? एक और बड़ी खबर आ रही है, वेट, रेल इंजन ही चुरा ले गए। रेल इंजन चुरा लिया, यार्ड से सुरंग की बेस्ट, ये है मेरा भाई लोग, इन्हीं से मिलना चाहता हूँ मैं, इन्हीं की गैंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, पूरा रेलवे उड़ा दिया बे। ये चोरी क्या चल रहा है भाई, ये क्या? एक सेकंड, एक और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, कुछ और भी हो गया है। तालाब चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तालाब चोरी, अबे पानी होता है ना उसके अंदर,
तो तालाब कैसे कोई चोरी करके लेके जा। देखो कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे को सब्सक्राइब करो। सकता है ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और एक और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस 17 का विनर पता चल चुका है। शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जिया गाइस, यहाँ पर बिग बॉस 17 में पब्लिक को जो है अपना विनर मिल चुका है। जिया गाइस जिसे पब्लिक सपोर्ट कर रही है, जिसे पब्लिक की डिमांड की वजह से विनर बनाया गया है, जिया गाइस वो हमें पता चल चुका है। जिया गाइस जो बात बिग बॉस के मेकर्स को शायद खुद भी नहीं पता है, इस चिरांद न्यूज वाले को पता है, क्योंकि ये इंसान जो है ये फ्यूचर से आया, इसको सब पता है। इसको ये भी पता है अर्थक्वेक कब आएगा, सुनामी कब आएगी और बिग बॉस कौन जीतेगा, ये भी पता है इसको। बिग बॉस वाले 4 महीने। ये बिग बॉस इतनी बड़ी चीज क्यों है भाई? बड़े बड़े एक्टर्स स्टोरी डाल रहे, सारे यूट्यूबर्स स्टोरी डाल रहे, वोट करो वोट करो, काय के लिए करो, हट। बिग बॉस तो बेफालतू में करवाते हैं, इसी से ही पूछ लेते हैं विनर, इसको सब पता ही है, इसका सब पता है, लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है। मेरे को तो ये भी नहीं पता इस साल बिग बॉस के फिनाले में कौन कौन पहुंचा है, लेकिन तुम्हें तो पता है। और तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो वो बताना मुझे कमेंट्स में, क्योंकि उससे इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, तो बता देना, व्हाई नॉट। एक सेकंड रुको, के लिखे जाए, ये तो ट्रिगर्ड भाई ने सही बात करी है, तो तुम लोग भी बता देना कमेंट में। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गाइस यहां पर, बाघों की प्रेम कहानी। ब्रेकिंग न्यूज है गाइस, बाघों की प्रेम कहानी। फिर भी बाघ बोला आई लव यू। 3 साल छोटे बाघ पर आया दिल, बाघ भी हो गया बाघ बाघ। जी हाँ गाइस, बाघ हो गया बाघ बाघ। दुनिया की सारी खबरें एक तरफ, बाघों का आई लव यू चल रहा है यहाँ पे, 3 साल छोटे बाघ पर आया दिल, बाघों ने बोला है बाघ बाघ हो गया दिल, बाघ बाघ हो गया है, गार्डन गार्डन बाघ बाघ, गार्डन बाघ बाघ बाघ। हंसो ना भाई, हंसो, जोक मारा ना भाई ना, हंसो। आज मेरे पास बस इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी के लिए। आज का ये न्यूज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप लोगों, मैं कहता हूँ तुम लोगों को वीडियो, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब मेन करना। और अगर तुम लोगों को ट्रिगर भाई की वीडियो पसंद आई है तो भी सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और तुमको ट्रिगर भाई की वीडियो नहीं पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना। और तुमको दोनों में से किसी कोई सी भी नहीं आई तो भी सब्सक्राइब करना। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वेट करना, बाय बाय बाय।